गाइस मेरी गाड़ी को हो गया है एक महीना लगभग। तो मैंने कहा चलो अपनी गाड़ी का एक रिव्यू डाल देते हैं। सो गाइस ये एक ओनरशिप रिव्यू है, सोल ओनरशिप रिव्यू। इसमें कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मुझे एक साल में ये गाड़ी चला के कैसा लगा ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि ये गाड़ी लेने का डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन था। मतलब इससे बढ़िया डिसीजन मैंने अभी तक कार्स के मामले में लिया नहीं होगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि हमने स्कोडा स्लाविया को ही क्यों चुना। आज से एक साल पहले जब ये लॉन्च हुई थी, मतलब ये लॉन्च हुई है आई थिंक समवेयर अराउंड दिसंबर जनवरी 2022। तो स्कोडा का मतलब नो डाउट स्कोडा एज अ कार बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, बट ये एक हाई मेंटेनेंस कार होती है जो एक जनरल नोशन है लोगों के दिमाग में। तो उसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा खरीदते नहीं हैं। तो जब हमने इसको देखा उस टाइम पे हम लोग होंडा सिटी भी देख रहे थे और साथ में हुंडई वर्ना देख रहे थे। हमारा जो बजट था वो रफली अराउंड 15 के आसपास का था, 15 लाख के आसपास का। तो जब ये लॉन्च हुई एक तो हम हैरान हो गए थे कि ये लॉन्च जो है इन्होंने बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसेस रखे थे। दो सेगमेंट में लॉन्च हुई थी, 1 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर पेट्रोल, दोनों टर्बोचार्ज्ड। तो 1.5 लीटर का लेने का मतलब नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी, वो मेरे बजट से बहुत ऊपर जा रही थी, वो मेरे ख्याल 22 या 23 लाख के आसपास की जा रही थी। तो गाइज जब हमने ये गाड़ी की सर्च करनी शुरू करी थी तो होंडा सिटी देखी हमने, हुंडई वर्ना देखी और साथ में हमने स्कोडा स्लाविया देखी। और एक साल पहले गाइज स्कोडा स्लाविया से बढ़िया इंटीरियर्स और किसी गाड़ी के नहीं थे। मैं अभी इसके इंटीरियर्स भी आपको फिर से दिखा देता हूँ, पर एक साल पहले इससे बढ़िया इंटीरियर्स किसी और गाड़ी के नहीं थे। अब बात करते हैं मेरा एक साल के रिव्यू की। तो गाइज मैं आपको बड़ी इंटीरियर फिर से दिखा देता हूँ, इस गाड़ी के इंटीरियर दिखते कैसे हैं। बहुत ही प्लश इंटीरियर्स हैं इसके और ये इस सेगमेंट में इससे बढ़िया इंटीरियर एटलीस्ट उस टाइम पे तो थे नहीं। मैंने सुना है कि जो अब की हुंडई वर्ना आ रही है उसके इंटीरियर इससे शायद बेटर हों, बट एक साल पहले इससे बढ़िया और ख़ासकर इसका जो स्टेयरिंग है इसका मुकाबला आज की तारीख तक किसी के पास नहीं है। इसके जो ये स्पोक्स हैं, इसके जो ये रोलर्स हैं, इससे बढ़िया मैंने स्टेयरिंग व्हील की, और ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये इट इज़ ये जो है ये सिर्फ स्लाविया में नहीं, ये इनकी स्कोडा सुपर में भी यही स्टेयरिंग व्हील आता है। तो गाइज इसका जो USP है, सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है इसका स्टेयरिंग व्हील, बहुत ही लाइट वेट है। और अगर मैं इसके स्पीडोमीटर में ओडोमीटर पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अभी तक एक साल में 6,882 किलोमीटर जा चुकी है, चल चुकी है, 6,882 किलोमीटर चल चुकी है। अभी ये माइलेज दे रही है 10.6 का, क्योंकि मैंने अभी गाड़ी का AC ऑन कर रखा है काफ़ी देर से। वैसे इन जनरल ये अगर सिटी में अगर हम चलाते हैं तो ये मेरे को माइलेज दे रही है अराउंड 13 का, और अगर इसको मैं हाईवे पे ले जाता हूँ तो ये मेरे को 18 के आसपास का माइलेज दे देती है। अभी मैंने रिसेंटली ट्रिप किया था जयपुर का, जो कि मैंने जो नया हाईवे बनाया, नया मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया, तो मैं उसके थ्रू गया था। तो मैं वहाँ पे फुल कैपेसिटी में, हम लोग 5 एडल्ट्स थे और फुल ऑन लोड के साथ, तो लगभग 500 किलो का सामान मतलब लोड था इस गाड़ी के ऊपर और मैं अराउंड 110-120 के एस पे चल रहा था। तो उसके हिसाब से भी वहाँ पे भी उसने मेरे को माइलेज 19 की निकाल के दी थी। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। जो स्टैट्स हैं इसके, इट इज़ इक्वलेंट टू दैट ऑफ अ होंडा सिटी और हुंडई वर्ना, हालांकि वो 1.5 लीटर हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड हैं। तो गाइज इसके अंदर एक इशू निकल के आया था और वो था इसके AC का। और एक महीने डेढ़ महीने पहले मैंने वो मतलब मेरे को बुलाया था स्कोडा वालों ने, तो मेरे हिसाब से अब तो मेरे को वो इशू नहीं लग रहा है। अभी जैसे कि
सबसे कम पे चल रहा है इस समय एसी, और अच्छी खासी मतलब प्लेजेंट है अंदर। मैंने एसी जानबूझ के तेज़ नहीं कर रखा क्योंकि फिर उसके बाद बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो इस चक्कर में मैंने उसका एसी का फ्लो जो है वो बहुत कम रखा हुआ है। गाइस एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था, अभी रिसेंटली इसकी एक साल की सर्विस हुई थी, ये सबसे पहली सर्विस की 1 साल या 15,000 किलोमीटर पे ही होती है। तो मैंने जो अपने साथ जो वो ले रखा था सब्सक्रिप्शन ले रखा था मैंने अपना, तो वो मैंने 4 साल का सर्विस सब्सक्रिप्शन और मेंटेनेंस दोनों ही ले रखे थे। तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो मेरे ख्याल दोनों के 25,000 रुपये के आसपास लिए थे इन्होंने, तो वो मैंने ले रखे थे ये सोच के कि मेरे को आगे सर्विस के टाइम पे या किसी पार्ट्स को वेयर एंड टेयर के अंदर चेंज करना पड़ता है, तो मेरे को आगे कभी मतलब एटलीस्ट 3-4 साल तक कोई दिक्कत ना आए। तो जब मैं अपनी पहली सर्विस अभी कराने गया आफ्टर 1 ईयर या 15,000 किलोमीटर विच एवर इज लेस, तो मेरे उस समय मेरे ख्याल रफली अराउंड 8,500 किलोमीटर बने हुए थे, और मैं ये सोच के गया था कि उसके अंदर कि मेरे को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। पर वैसे वो बात सही है, बट जो आपको सर्विस पैकेज मिलता है वो नॉर्मल सर्विस पैकेज मिलता है, इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो जब भी आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाओगे उसके अंदर आपको वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बोलेंगे, वो आपकी विल है कि आप कराना चाहो या ना कराना चाहो, उनके हिसाब से वो यही होता है कि आपको कराना चाहिए। तो गाइस अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरा बिल बना था 2,306.93 रुपये और इसके अंदर मैंने ये कुछ प्लेनम चैम्बर कराया था और इंजन कोटिंग कराई थी। बेसिकली जो इंजन की कोटिंग होती है वो थ्रू ऑयल होती है, ये क्या इन्होंने एडवाइस किया था कि ये आपको करा लेना चाहिए, तो मैंने ये करा लिया था। एसी डिसइंफेक्टेंट करवाया था मैंने क्योंकि गर्मी आ रही थी, मैंने कहा चलो इससे एसी के ऊपर भी थोड़ा इफ़ेक्ट अच्छा हो जाएगा, तो मैंने ये भी करा लिया था। तो ये टोटल मिला के मेरे को पड़ा था 2,306.94 रुपये। इसके अलावा दो चीज़ और भी बोली थी जो कराने के लिए कहा गया था, जैसे कि आपको जो सनरूफ की चैनल्स को क्लीन करने का, लुब्रिकेशन करने का, काफ़ी कॉस्टली था वो भी, मेरे ख्याल 2,000-3,000 रुपये के आसपास का था। और साथ में आपको व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट के लिए भी बोला था। तो मेरी गाड़ी क्योंकि 8,000 किलोमीटर ही चली थी और इन्होंने जनरली ये 15,000 किलोमीटर या 1 साल कहते हैं, तो मैंने कहा मैं अभी ना करा के वो नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अवॉइड कर ली थी और बाकी की 3 चीज़ें मैंने करा ली थी जिसका बिल इतना बन के आया था। तो गाइस बाकी की बातें मैं ड्राइव करते करते करूँगा, तो चलिए थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपसे। थोड़ा पसीना भी आने लग गया अब तो मेरे को एसी तेज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा लग रहा है ड्राइव करके। ऑनेस्टली मैं तो पिछले 1 साल से चला रहा हूँ तो मेरे को तो वैसे भी ये अच्छा ही लगता है ड्राइव करना। मैं मतलब मेरे पास जो है वो पहले जैसे मैंने बताया था होंडा सिटी भी थी मेरे पास, अभी जो है मेरे पास वरना भी है, बट दिस कार इज क्लास अपार्ट। मतलब फोक्सवैगन ग्रुप जो है वो पता लगता है कि हाँ ये जो है बेहतरीन क्वालिटी डिलीवर करने के लिए माहिर है। मैंने आज अपनी गाड़ी का बोनट उठाया, हमारे पास एक टाटा सफारी भी है, तो टाटा सफारी का बोनट उठाया और मैंने अपनी गाड़ी का बोनट उठाया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कहने के लिए टाटा सफारी की बॉडी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द लॉट विद इन इंडियन मैनुफैक्चरर्स। अगर ये बताने की मेरे को ज़रूरत होनी नहीं चाहिए बट इसको एनकैप रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं, सो नो डाउट इट इज़ अ वेरी सिक्योर्ड कार। ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से बहुत कंफर्टेबल है, जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरे पास होंडा सिटी थी, तो होंडा सिटी के अंदर ये था कि इनिशियली अगर आप ड्राइव करो इट इज़ अ वेरी स्मूथ सेलिंग कार, लेकिन यही अगर आप ट्रैफिक में
30-40 किलोमीटर चला रहे हो तो आपकी ना बैक दर्द करने लगती है, मतलब आपको जो है वो अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा आफ्टर मे बी 20 किलोमीटर्स या 30 किलोमीटर्स। पर इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है, इस गाड़ी के साथ बहुत ही आराम से गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ, हल्के चलाओ, कैसे भी चलाओ, जितना मर्जी चलाओ, तो कोई दिक्कत उसमें दिक्कत परेशानी कोई नहीं है, बहुत ही कंफर्ट के साथ जा सकते हैं हम लोग। तो गाइस बात कर लेते हैं इस गाड़ी में क्या क्या इश्यूज हैं। इसमें मेरे को जो इशू दिखा है वो एक ही दिखा है, वो है केबिन नॉइस का। नाउ ये जो है ये एक 3-सिलेंडर इंजन है जिसकी वजह से एक इंजन की रैटलिंग साउंड आपको हमेशा केबिन के अंदर पता लगेगी। जब भी मैंने गाड़ी ली थी तो इस गाड़ी के अंदर बोनट के अंदर जो नॉइस कैंसलेशन पैडिंग होती है वो नहीं थी, और वो मेरे ख्याल आजकल किसी भी गाड़ी में नहीं आ रही है। तो मैं जब पहली बार गया था सर्विस सेंटर तो मैंने वहाँ से ये एसेसरीज ख़रीद ली थी जो कि मेरे ख्याल 1100 की पड़ी थी मेरे को, और मेरे हिसाब से इट इज़ अ मस्ट बाय क्योंकि इससे काफ़ी नॉइस जो है रिड्यूस होती है केबिन के अंदर। गाइस इसमें एक प्रॉब्लम और भी थी और वो थी जो इसका प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है ये हार्ड टॉप है, मेजॉरिटी जगह पे ये हार्ड टॉप है, ये पियानो फिनिश का है, बट ये जो प्लास्टिक है ये इतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं लगा मेरे को। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर जैसे अगर मैंने ये देखी है, अगर यहाँ पे मैंने बॉटल रखी हुई है और इस समय अगर मैं गाड़ी चलाऊँगा तो एक अजीब सी नॉइज़ जो रैटलिंग नॉइज़ होती है बॉटल प्लास्टिक से जो टकरा रही है उसकी नॉइज़ कॉन्स्टेंटली आती रहेगी, तो वो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं है, तो वो एक नॉइज़ बहुत डिस्टर्ब करती है आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। साथ में इसका जो एसी है उसके अंदर भी जो ब्लोअर नॉइज़ है वो काफ़ी तेज़ है। देखिए अभी मैंने एसी बंद कर रखा है, अब मैं एसी को चलाऊंगा। स्पीड तो बहुत अच्छी है लेकिन उससे ब्लोअर की नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से भी थोड़ा सा ये अनोइंग रहता है। और रही बात इसके एसी की, पहले मैं इसकी ना फैन स्पीड कम कर दूं, तो एसी के ये जो कंट्रोल है, ये जो फेदर टच कंट्रोल है, ये मेरे को इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा। जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मतलब यहाँ पे हाथ रखना, उंगली रखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहता है। मुझे अपनी विजन जो है वो रोड से हटा के स्पेसिफिकली इस एसी कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ता है जस्ट टू इंश्योर कि मैंने सही जगह पे अपनी फिंगर रखी हुई है। तो मेरे को ये खास यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। अगर इसके जगह नॉब्स होते जो नॉर्मल रेट्रो लुक के नॉब्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इससे एडजस्ट कर लेते हो, बट ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट वाली बात है, इट इज़ नॉट एट ऑल यूज़र फ्रेंडली। तो ये एक और ड्रॉबैक है। इसके साथ एक ड्रॉबैक है इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जब मैंने जब ये गाड़ी ली थी तब मेरे पास आईफोन 7 होता था, और बहुत टाइम ऐसा होता था कि जहाँ पे मैंने मैप्स लगाए हैं और मैप्स चलते चलते ही हैंग हो जाते थे। तो गाइस जब मैंने इसको सर्विस सेंटर दिखाया तो उन लोगों ने बताया कि इस गाड़ी के साथ कुछ ऐसे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं कुछ फ़ोनों के साथ, तो वो जो जितने फ़ोन कंपैटिबल हैं वो सारे के सारे उन्होंने अपने ब्रोशर में दे रखे हैं। तो मेरे ख्याल पेज नंबर 84 या 85 है ब्रोशर का, जहाँ पे वो एक बार स्कैन कोड मिलेगा, QR कोड मिलेगा, जिसको आप स्कैन करेंगे तो वो एक ऐसी वेबसाइट पे ले जाएगा जो बताएगा कि कौन कौन से फ़ोन सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के। बट अब आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ फ़ोन्स सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना था तो इस चक्कर में वो शायद कंपैटिबिलिटी इशू था जिसकी वजह से मेरे को मैप्स मेरे लिए काम नहीं कर रहे थे, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिसकम्फर्टिंग था, तो मेरे को वो अपने फ़ोन पे मैप्स लगा के चलना पड़ता था काफ़ी टाइम तक। पर जब से मैंने नया फ़ोन लिया है मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आती है, मतलब एवरीथिंग इज़ रनिंग स्मूथ। इसका म्यूज़िक सिस्टम इज़ लाइक अमेजिंग। तो गाइज अगर इसकी बात करूँ मैं म्यूज़िक सिस्टम की, इसका म्यूज़िक सिस्टम इज़ लाइक क्लास अपार्ट। इसके साथ मेरे को नीचे ये जो पैसेंजर सीट है इसके नीचे यहाँ पे इस तरफ आपको ये एम्पलीफायर मिलता है,
और इसका सब वूफर जो है वो पीछे बूट में है स्टेपनी के अंदर, वो भी अलग से दिखा दूंगा मैं आपको। बट ये इन्होंने बहुत, जो कहते हैं ये लोग सिंपली क्लेवर, तो इन्होंने बहुत क्लेवरली जो है वो सारा का सारा अपनी फिटिंग्स कर रखी हैं, जिससे एज अ यूज़र मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई है उसके अंदर। तो गाइस जब मैंने ये कार ली थी तो ये मेरे को पड़ी थी 16 लाख ऑन रोड प्लस 25,000 फॉर 4 years मेंटेनेंस एंड अदर 25,000 फॉर 4 years सर्विस, तो लगभग मेरे को ये 16.5 की पड़ी थी फुली लोडेड। बट आज तक जो करंट प्राइस है वो है 17 लाख ऑन रोड, और अगर आप इसके अंदर वही दोनों चीज़ें ऐड कर दोगे तो 17.5 लाख, तो लगभग 1 लाख रुपए ये अब महंगी हो गई है पिछले साल से। प्लस साथ में इन्होंने एक चीज़ कम कर दी है या रिड्यूस कर दी है, तो जैसे मेरी वाली गाड़ी के अंदर मैंने अभी आपको दिखाया है कि मेरे पास एम्पलीफायर भी है, सबवूफर भी है, जो कि अब नई वाली स्टाइल के अंदर मेरे हिसाब से नहीं आता है। जो मेरा टच स्क्रीन है वो 10.2 इंचेस का है, जबकि अब का जो स्लाविया जो आ रही है वो उसका जो स्क्रीन साइज है दैट इज़ 8 इंचेस, तो रिडक्शन है और प्राइस बढ़ा दिए हैं। तो ओवरऑल मेरे लिए तो ये विन विन सिचुएशन थी कि मैंने सही टाइम पे ये कार ले ली, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस डिसीजन से। और गाइज एक चीज़ और थी जो बात मैं कर रहा था पावर को लेके, इस कार की पावर और टॉर्क, रादर पावर कहूँगा, पावर जो है वो सिमिलर टू होंडा सिटी या वरना है, मतलब इसकी मेरे ख्याल 114 BHP है, होंडा सिटी की 118 है, और ऐसे ही इतने ही लगभग वरना की भी है पेट्रोल। बट रही बात टॉर्क की, इसका टॉर्क जो है वो है 178 न्यूटन मीटर का, बाकी का इट इज़ रफली अराउंड 150 ऑड। तो टॉर्क में ये बहुत आगे है, जबकि ये 1 लीटर इंजन वाला वेरिएंट है। और गाइज ये किसी भी एंगल से लो पावर्ड व्हीकल नहीं है। लोगों की एक सोच है कि ये 1 लीटर का इंजन है तो पता नहीं इतनी पावर जनरेट करता है कि नहीं, इतनी तेज़ भागती है कि नहीं। गाइज जब ये सर्टेन स्पीड के ऊपर चली जाती है, जब ये 2000 RPM के ऊपर चली जाती है, तो ये ऐसी भागती है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड परचेज। मैं आज की तारीख में भी अगर मैं बोलूँ, आई विल गो विथ 1 लीटर स्कोडा स्लाविया रादर देन 1.5 लीटर, बिकॉज 1.5 लीटर में सिर्फ एक इंजन है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नो डाउट वो बहुत बढ़िया है, बट आपको इतनी पावर की ज़रूरत नहीं है इन दिल्ली की, मतलब इतनी पावर की आपको ज़रूरत नहीं है रोड्स के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट, अनलेस आपको ड्रैग रेसिंग करनी है, विच आई डू नॉट रिकमेंड टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ वर्थ बाय। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, मतलब बिल्ड क्वालिटी में इट स्टैंड्स क्लास अपार्ट, मतलब इसके पास तक भी ना होंडा सिटी आती है ना ही इसके पास हुंडई की वरना आती है। एज अ सेड इसकी एनकैप रेटिंग जो है वो 5 की है, 5 स्टार मिले हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और उसकी एनकैप रेटिंग 5 की है तो उससे बढ़िया चीज़ आपको मिलेगी नहीं। लुक्स वाइज तो मेरे लिए किलर लुक्स हैं इसकी ऑनेस्टली, बट लुक्स जो हैं वो बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, क्योंकि हर एक की अपनी सोच है लुक्स को लेके। मेरे को पर्सनली ऐसी लुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे को अगर आप ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को इसमें और BMW में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ लुक्स। सो गाइज मेरे लिए तो इट इज़ लाइक अ स्टील डील फॉर मी, क्योंकि मैंने ये 1 साल पहले ली थी और मेरे को इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मिली कंपेयर टू व्हाट पीपल आर गेटिंग नाउ। तो मेरे लिए तो ये डील बहुत ही अच्छी रही, प्लस 1 लाख रुपए एक्सपेंसिव भी हो गई है। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों भी इस गाड़ी को की टेस्ट ड्राइव लें
इन्जॉय करें और अगर मन करे तो इसको खरीदें भी। तो गाइस अगर आपको ये मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं ऐसे रिव्यूज़ और भी लेके आता रहूँगा। मेरे को अभी और 2-3 गाड़ियों के रिव्यूज़ करने हैं जो हमारे घर में हैं, जैसे मैंने बताया आई हैव अ सफारी, आई ऑल्सो हैव अ ग्रैंड विटारा, तो मैं उन सब के रिव्यूज़ करूँगा और थोड़े थोड़े टाइम में वो शेयर करता रहूँगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय।